एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज के अंदर सबसे पहले कंडीशन फॉर फ्लोटेशन ऑफ अ बॉडी, कोई बॉडी कब तैरती है ये कंडीशन बना के देगा। कैसे कंडीशन बना के देगा, ध्यान से देखना। इसके अंदर सपोज एक बॉडी है, एक बॉडी है जो तैर रही है, देखो तैरना मतलब फ्लोट कर रही है, कुछ पोर्शन बाहर कुछ पोर्शन अंदर है। मैं सेम रूल लगा रहा हूँ, कोई नया रूल नहीं है, आपको आता है ये रूल। तो अगर इसका वी डैश पोर्शन हवा में और बाकी इसका पानी में, तो ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, कितना लिक्विड का वॉल्यूम वी माइनस वी डैश, वेट लिक्विड का तो डेंसिटी भी लिक्विड की इंटू जी, ये क्या आ गया वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। दिस मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, होल वेट ऑफ द बॉडी में वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, जी से जी कैंसल, इसे ओपन कर लिया, ओपन करके वी वाली टर्म्स एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, तो यहां से वी डैश की क्या आ गई वैल्यू। आप कोई फॉर्मूला याद ना करें क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि क्या करना है, बेसिक प्रिंसिपल आपको पता ही है। कुछ बताना चाह रहा हूं इसमें मैं कि ये वी डैश की वैल्यू का मतलब है कि कितना पोर्शन बॉडी का हवा में दिखेगा, हवा में कितना वॉल्यूम है वी डैश है, और हमने ये वी डैश की वैल्यू निकाल दी कि इतना पोर्शन हवा में है। अब केस नंबर वन, अगर लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से बड़ी है, अगर ये डेंसिटी इस डेंसिटी से बड़ी है तो वी डैश क्या आएगा पॉजिटिव, वी डैश पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब बॉडी कुछ हवा में रहेगी तभी वी डैश पॉजिटिव है, यानी कि बॉडी ठीक तरह तैरेगी जिसका कुछ पोर्शन हवा में और कुछ पानी में। तो ऐसे केस में वी डैश की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या, आपने सुना होगा अपने छोटी क्लास में कि अगर बॉडी की डेंसिटी छोटी है लिक्विड की डेंसिटी से या लिक्विड की डेंसिटी बड़ी है तो बॉडी तैरेगी, लेकिन उल्टा अगर बॉडी की डेंसिटी बड़ी है तो वी डैश नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब डूबना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर बॉडी की डेंसिटी बड़ी है लिक्विड की डेंसिटी से तो बॉडी पक्का डूबेगी। सुई क्यों डूब जाती है, छोटी सी है सुई, कोई वेट भी नहीं है उसका, क्योंकि सुई की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से बहुत बड़ी है। तो ये डेंसिटी अगर बड़ी है इससे तो वी डैश क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब वो डूबेगी। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक है यहां तक। तो ये टर्म है, तो अगर मान लो दोनों डेंसिटीज बराबर हैं, तो अगर दोनों डेंसिटीज बराबर है तो वी डैश क्या आएगा जीरो, जीरो का मतलब ना ये डूबेगी ना ये ऊपर हवा में तैरेगी, जहां है वहीं रहेगी, टॉप सरफेस पे आके तैरना शुरू कर देगी, क्योंकि अगर नीचे जाएगी तो वी डैश नेगेटिव हो जाएगा, वी डैश पॉजिटिव का मतलब हवा में आ जाएगी, तो टॉप ऑफ सरफेस पे तैरना स्टार्ट कर देगी, ना अब ये नीचे जाएगी ना ये ऊपर जाएगी, ठीक है यहां तक।